ओके, वन एम एस स्टैंड करता है 1 मिलियन स्टार्टअप्स के लिए, और हमारी ख्वाहिश है कि हम 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सकें 3 दायरों में रहते हुए। दायरा नंबर 1 के $100 से बिज़नेस वो स्टार्ट कर सके, फिल्म देख के सीख सके, ₹30,000 आमदन यानी $300 महीने की आमदन क्रिएट कर सके, और हम बिज़नेसेस वो सेलेक्ट करेंगे जो कि लार्ज स्केल बिज़नेसेस यानी कि ऐसे हों जो कि ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हो। मिसाल के तौर पे समोसे, आलू, भिंडी, नॉट भिंडी बट जलेबी, इलेक्ट्रिशन, प्लम्बर्स, ऐसे लोग जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे बिजनेसेस जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती हो। ये नहीं हो कि जी हमने गूगल बनाया, हमें गूगल नहीं बनाना। वी वांट टू क्रिएट कि जी लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकें $100 के अंदर। तो ये हमारी एक ख्वाहिश है, और उसके अंदर हम ऐसे बिजनेसेस पहले आइडेंटिफाई करते हैं जो कि $100 में शुरू हो सकते हों, 10,000 दफ़ा कॉपी हो सकते हों, या कि हम 100 सिर्फ पैसे बिज़नेस बनाएं जो कि 100 को 10,000 से दरब देंगे तो 1 मिलियन बिजनेसेस बन जाएंगे। ये है लुब्बे लुबाब 1MS का। 1MS मैंने क्यों शुरू किया? 1MS मैंने इसलिए शुरू किया कि 1MS से पहले मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बुला के एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने की बात की जाती थी। उसके अलावा ये होता था कि मैं सबको बोलता था यार कारोबार शुरू करो, छोटा कारोबार शुरू करो। तो चैलेंज ये हो रहा था कि बातें तो मैं कर रहा था लेकिन लोगों को समझ में बहुत मुझे लग रहा था कि कम आ रहा है, और इट वाज नॉट लार्ज इनफ़। तो जब मैंने अपनी गोल सेटिंग एक्सरसाइज करी तो उस गोल सेटिंग एक्सरसाइज के रिज़ल्ट के अंदर मैंने लिख दिया ऐसे ही, नो आइडिया कैसे होगा, दुनिया से गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। सो मैंने लिख दिया, मैंने लिख के बोर्ड पे लगा दिया, ऑफिस में आते जाते थे, ऑफिस में आते जाते देखते थे रोज़ यार ये लिखा हुआ गुर्बत का खात्मा कैसे होगा। तो एक दिन ख्याल आया कि लेट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड अपने ज़ाती तौर पे एक गोल बना लें कि मिलियन एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। और मिलियन का ज़ाती तौर पे इसलिए ख्याल आया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड .com इकानमी से है, और .com इकानमी में मिलियन की कोई बड़ी फिगर नहीं होती है। मिलियन यूज़र्स ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल, जीमेल, हॉटमेल, कोई औकात ही नहीं है ना, मिलियन की कोई औकात नहीं होती। तो मैंने कहा यार अगर ये लोग बना सकते हैं तो हम भी मिलियन बिज़नेस क्यों नहीं बना सकते। सो आई जस्ट केम आउट कि जी मिलियन बनाएंगे। देयर वाज नो प्रिपरेशन और आइडिया बिहाइंड इट, जस्ट पुट इट ऑन देयर। फिर जब हमने ये लिख दिया तो पहले तो मैं सर खुजाता रहा कि यार ये कैसे होगा भाई। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि आई हैड टू गो टू यूरोप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं मुझे वीज़ा मिला, मैं गया तो मैंने ऐसे तमाम जो दोस्तों से मैं जिनको ऑनलाइन जानता था बहुत सालों से लेकिन मिला नहीं था, उनके पास जाना शुरू किया और उनसे ऐसी गपशप लगती रही, बात होती रही, और मैं सीखता रहा कि क्या हो रहा है, किस तरह रहते हैं वगैरह वगैरह। एक साथी ने सुनने के बाद कहा तो अच्छा आइडिया है, और तुम इसके काम क्यों नहीं करते, 100 बिज़नेस बना लो और फ्रेंचाइज बना दो और 10,000 दफ़ा बन जाएंगे और मिलियन हो गए। मैं मुँह देखता रहा उसका, यार ये तो बात तो इतनी सिंपल सी थी लेकिन समझ में नहीं आई थी कभी। खैर उस दिन हमने फैसला किया कि ये मिलियन बिज़नेस $100 वाले होंगे। $100 वाला अमाउंट तो मेरे जहन में था, वो क्यों था? वो इसलिए था कि एक दफ़ा हमारे एक और अज़ीज़ हैं, वो 85 साल के हैं, और उन्होंने कहा कि रेहान किसी को पैसे देने और वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी $100 से बिज़नेस शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा $100 से कैसे हो सकता है भाई, $100 यानी ₹10,000 से तो हो ही नहीं सकता बिज़नेस। मैंने कहा जी चलें बेट लग गई, ₹10,000 से काम शुरू होगा। तो वो बेट जो है वो मुझे भारी पड़ गई, वो $100 का नंबर वहाँ पे वहाँ से आ गया। तो आई स्टिल बिलीव कि ₹10,000 से कारोबार शुरू किया जा सकता है, और द होल प्रोसेस आई बिलीव नाउ कि ये इट्स पॉसिबल। हो सकता है कुछ बिज़नेस $200 में शुरू हो सकता है कुछ बिज़नेस $300 में शुरू हो, लेकिन इट कैन स्टिल बी इन अ वेरी रियलिस्टिक अमाउंट। तो $300 कोई बड़ी बात नहीं होती, स्टार्ट किया जा सकता है बिज़नेस। तो इस तरीके से $100 का नंबर आया, इस तरीके से $1 million का मिलियन बिज़नेस का आइडिया आया। और मेरा ये ईमान है कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से ही निकलते हैं। तो अगर मलेशिया की बहुत बड़ी कॉरपोरेशन जेंटिंग है, वो जो जिन्होंने बनाई थी वो कारपेंटर थे, चाइना से आए थे, और वो बढ़ई थे और अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी उनको, मले भी नहीं आती थी, लेकिन वो चाइनीज़ होने के बावजूद उन्होंने जेंटिंग बना दी जो कि ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन है आज मलेशिया के अंदर। इसी तरह से जो भी अब रॉकफेलर को ले लें अगर अमेरिका के, तो वो एक पादरी
की नौकरी करता था, फिर अकाउंटेंट की नौकरी करता था, और कहाँ से कहाँ होते होते एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही बिकेम लार्ज रॉकफेलर, नाउ कंट्रोल्स कहते हैं कि अमेरिका को करते हैं. सो दिस इज़ वाई आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को हार्नेस करने की, मल्टीप्लाई इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 1MS का आइडिया लिया गया कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी आदमी सिर्फ फिल्म देख के ये सीख सके कि यार ये बिज़नेस कैसे करते हैं. क्योंकि जो लोग गांव देहातों से आते हैं, समोसे पकौड़े छोटे काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बढ़ई क्यों ना हो या प्लम्बर क्यों ना हो या और कोई इलेक्ट्रिशियन क्यों ना हो, तो उनके पास कोई MBA की डिग्री तो नहीं होती. तो उनको ये नहीं मालूम कि अपने आप को मार्केट कैसे करें, उनको ये नहीं मालूम कि अपने आप को बड़ा कैसे करें, इल्ला माशाल्लाह कोई मलिक रियाज बन जाते हैं. और ही मस्ट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, उनको बहुत साल लग जाते हैं बनने में. तो हम क्यों ना ऐसे लोगों का मर्जर करें कि बेस्ट नॉलेज ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस को एक जगह जमा कर दें, एक किस्म की विकीपीडिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बना दें, कि उस विकीपीडिया को फॉलो करने के बाद कोई भी आदमी बड़ा सोच सके और बड़ा बहुत जल्दी एक्सेलरेशन के साथ हो सके, जाके दुनिया के जो 4 अरब लोग $40-50 से नीचे रहते हैं वो सारे अपनी आमदनी को कम से कम $300-500 में ले जा सकें. गुर्बत जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है एज अ ह्यूमन बीइंग. और उस गुर्बत की मुझे हमेशा से ये काटती है, मुझे हमेशा से उलझन होती है कि यार ये अमीर और ये गरीब क्यों है, क्यों फ़र्क है इनमें. और 2-4 इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा ये तकलीफ़ करते रहते. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी सुपर रिच, आई हैव नो इंटरेस्ट इन बींग अ सुपर रिच पर्सन. मुझे बिल्कुल कोई मोहब्बत बचपन से नहीं है पैसों से. ज़रूरत की हद तक है कि भाई मैं आराम से रह सकूँ, मेरे बच्चे आराम से रह सकें, बट मुझे कोई बिलियनर बनने का शौक़ नहीं है. बट मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ये जो बिलियंस ऑफ लोग गरीब हैं ये किसी तरह से इससे बाहर निकल जाएं. क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सबके लिए कॉमन है, मोबाइल फ़ोन, टीवी, VCR, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, बिजली, पंखा, ये सब अब बेसिक चीज़ बन गई हैं. ये कोई नेसेसिटीज़ में शामिल हो गई हैं, ये कोई सुपर एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, वही सुपर क्या कहना चाहिए, अमीरों के शौक नहीं है. अब इनको अगर $300 भी कोई नहीं कमाता तो उसके लिए ये ऑप्टेन करना मुश्किल हो जाएगा. गाड़ी भी नहीं ले सकता, कंप्यूटर्स भी नहीं ले सकता, डिवाइसेस भी नहीं ले सकता. तो लेट्स नॉट, हम उनको क्यों नहीं अमीर बना देते, बजाय इसके कि मैं किसी को डोनेशन करूं, बजाय इसके कि मैं हेल्थ के लिए काम करूं या स्कूलिंग के लिए काम करूं या किसी भी काम के लिए. तो अगर उनको पैसे दे दिए तो दे कैन फिक्स देयर ओन लाइफ, वो जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ये इसका समझ लीजिए कि लुब्बे लुबाब है, बैकग्राउंड है 1MS को शुरू करने का और इसको आगे लेके जाने का. 2 से 2.5 साल गुजर गए हैं, मेरा ये ख्याल था कि मैं 3 साल में इसको पूरा कर लूँगा. और वो सक्सेस ही क्या जिसमें फेलियर ना हो, तो शायद हम 3 साल में ये पूरे ना कर सकें. लेकिन हमने बहुत सारे लोग समझते हैं कि अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हमने 100 से ज़्यादा वेबसाइटें बना दी हैं, 100 से ज़्यादा फेसबुक के पेजेस बनाए हैं, ब्रांडिंग पे बहुत मेहनत की है. और अगर कुछ भी नहीं करा ना मैंने, मैं सब कुछ में भी फेल हो जाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेस है कि स्कूल बन गया, ये रेहान यूनिवर्सिटी बन गई. ये जो स्कूल का आइडिया है ये कभी भी नहीं आता अगर मैं ये सब काम नहीं करता. और ये जो स्कूल है ये तो मुझे 100,000% श्योरिटी है कि 4-5 साल में ये बिलियन लोगों को तो पढ़ा देगा, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि ये होगा. और ये 1MS भी 100,000% कंप्लीट होगा. डेट मुझे नहीं मालूम कि कब होगी, शायद और 2 साल लग जाएं और 4 साल लग जाएं, लेकिन ये तो करके तो छोड़ना है, क्योंकि दिस इज़ ऑल आई लिव फॉर नाउ, दिस इज़ ऑल आई डू नाउ. मेरे जो अपने कारोबार हैं वो बेचारे अल्लाह ही चला रहे हैं, और ये भी किसी ना किसी तरह पूरा हो जाएगा. मैं लगा रहूँगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा इसका. एंड जो लोगों को नज़र नहीं आ रही बिल्डिंगें और जो कि अफसोस कर रहे हैं कि अभी तक यार एक भी बातें तो बड़ी करते हो रहान भाई, एक भी दुकान नहीं आई, तो उनसे गुजारिश है आप भी शुरू करें. आप एक दुकान खोल लें, उसके 2 बनाएं, उनसे 4 बनाएं, उनसे 8 बनाएं, आप शुरू कर लें. अगर मैं गलत हूँ कोई बात नहीं भाई, मुझे गलत करने दें, आप शुरू कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है. क्या हर्ज है, मिलके करते हैं. 4 अरब लोग गरीब हैं भाई, 1 मिलियन की मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप 10 मिलियन की आप मेहनत कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट तो करें. इसको छोड़ दें कि रेहान तुम कामयाब नहीं हुए. लेट्स, जो हमारी नॉलेज अवेलेबल है, वेबसाइटें rehan.com पे अवेलेबल हैं, वो सिर्फ स्कूल्स हैं फ़िलहाल.
स्कूल ऑफ नॉलेज हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक आलू की दुकान खोलना चाहते हैं और आपको पक्का बकाया सारा काम रेहान आलू डॉट कॉम पर मिल जाए, आप चावल का काम करना चाहते हैं रेहान राइस डॉट कॉम पर मिल जाए, तो आपकी कितना टाइम बचेगा। हम उस टाइम को बचाने के लिए हाज़िर हैं, आपको मैं फेसबुक पे हाज़िर हूँ, मेरी टीम हाज़िर है। जो बिज़नेस करना चाहते हैं आप और हम शुरू कर चुके हैं, उसकी जो नॉलेज चाहिए जाएँ वेबसाइट पर और हमसे मांगें कि यार ये चीज़ इनकम्प्लीट है, ये बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे होगा। हमारा हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारी नॉलेज लें और इस्तेमाल कर लें, इससे ज़्यादा खुशी का कोई मामला नहीं है। तो आप प्लीज़ लें, जो जो साइटें पूरी हो गई, जो जो चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ले लें और हमें जो देना चाहें वो दे दें और हम वहाँ लगाना शुरू कर देंगे। ज़ाती तौर पर मेरा ये गोल है कि हर ऐसा बिज़नेस जो $2 बिलियन प्लस का हो ईयर, उसकी हम एक वेबसाइट पोर्टल ज़रूर बना दें। हमारे मुल्क में चावल का बिज़नेस जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, कॉटन का बिज़नेस रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जितने चावल और क्या कहते हैं रुई बेचने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो नॉलेज हार्नेस करना नहीं आती, उनका विजन निस्बतन कमज़ोर है अगर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। हम समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी अच्छी चलाते तो हमने उनके लिए वेबसाइटें बना दी हैं, रेहान राइस डॉट कॉम है, रेहान कॉटन डॉट कॉम है, रेहान सिट्रस डॉट कॉम है, रेहान मैंगो डॉट कॉम है। रेहान सिनोनिम है नॉलेज का। मैं आपसे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, इट्स फ्री नॉलेज अवेलेबल, इट्स लाइक विकीपीडिया, आप जाएँ इस्तेमाल करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। दैट्स व्हाट वी विल बी हैप्पी टू डू। अगर आप हम किसी तरह असिस्ट कर सकते हैं तो हम बहुत खुशी महसूस करेंगे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। मैं नॉलेज को शेयर करने में बिलीव करता हूँ, नॉलेज को रिजर्व करने में बिलीव नहीं करता। तो और आज का जो दौर है वो नॉलेज इकॉनमी से ऊपर का दौर है, प्रसिस्टेंट का दौर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इंटरनेट पर बैठ के ना सीख सकते हो। जो चीज़ आप इंटरनेट से नहीं हासिल कर सकते वो आपकी परसिस्टेंस है। आप उस परसिस्टेंट को कहीं गूगल करके नहीं निकाल सकते, वो आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। और उसको बनाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने आप को डेवलप करें, यू नो लिंचपिन पढ़ लें, वर्ल्ड स्लैट पढ़ लें, पावर ऑफ नाव पढ़ लें, द सीक्रेट पढ़ लें, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना परसिस्टेंट बना लें कि कोई आपको हिला ना सके। फिर नॉलेज की बारी आएगी तो नॉलेज ऑब्टेन करने में हो सकता है आपको साल लग जाए, हो सकता है 2 घंटे में मिल जाए, लेकिन जो अगेन कमिंग बैक टू 1 MS गोल है कि आप कोई भी बिज़नेस 4 घंटे में सीख सकें, कम से कम 4 घंटे की वीडियोस के अंदर आपको वो समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करें, हमसे पूछें कि कैसे होगा, तो हम उसकी मज़ीद फिल्में बना के आपको अवेलेबल कर देंगे। दैट्स हमारा असल गोल है। कारोबार क्रिएट करें या ना करें, दैट इज़ नॉट रियली द सक्सेस, क्या कहना चाहिए, टाइम लाइन। ये इसका थोड़ा सा रीजनिंग है। तो आपका जो बिजनेस जो आप नॉलेज अवेलेबल कर रहे हो किस फॉर्मेट में कर रहे हो, क्योंकि आप गरीबों को कहते हैं कि उनको सिखाएंगे, उनको बिजनेस प्लान देंगे, तो किस किस में प्लान होगा कि वो पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, 4 घंटे में सीख जाएंगे। सही, हार्ड एंड फास्ट रूल 4 घंटे नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि नॉलेज को कंसंट्रेट कर दिया, एसेंस निकाल दिया जा सके। किस फॉर्मेट में करेंगे, हम वीडियो फॉर्मेट अवेलेबल कर रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट भी अवेलेबल करेंगे, किताबें फॉर्मेट भी अवेलेबल करेंगे, बट इनिशियल जो गोल है वो ये है कि DVDs अवेलेबल होंगी मोहल्ले की DVD की दुकान के ऊपर। आलू की दुकान कैसे खोलते हैं, बिरयानी की दुकान कैसे खोलते हैं, जाओ वहाँ से बिरयानी की दुकान की रेसिपी लो, ये 10,000 रुपये लो अख़ुवत से, 10,000 रुपये लो अमन फाउंडेशन से, 10,000 रुपये लो ग्रामीण बैंक से, यानी बैंक से, और जाओ अपना बिज़नेस शुरू करो। ये सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये नॉलेज नहीं दे रहे, पैसे दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो जो एक एम्प्टी स्पेस है नॉलेज देने की, वो भी फिल कर दें, या कि उनको नॉलेज मिल जाए और वो बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें या शुरू कर सकें। बिगेस्ट चैलेंज जो एक होता है इंसान का, हर इंसान का, वो पहला स्टेप रखना होता है। वो पहला स्टेप करने में जितनी आसानियाँ हम पैदा करते जाएँ, सर के पैसे दे दिए, नॉलेज दे देंगे, तो अभी भी स्टेप अपने अंदर को, जो मैंने प्रसिस्टेंस की बात करी, वो बिल्ड करना, खुद ही को पैदा करना, ये मेरी वीडियोस से नहीं हासिल हो जाएगा। ये हम सबको मिलकर एक दूसरे को पैट ऑन द बैक देना पड़ेगा कि यार तुम कर सकते हो, करो, कर सकते हो, करो। ये नहीं करना पड़ेगा नहीं कर सकते, फेल हो जाओगे, इस तरह तो नहीं कर सकेगा वो। हमारे एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं सुगाता मित्रा, उनकी किताब है होल इन द वॉल, उसका एसेंस ये है कि अगर कोई भी काम किसी भी बच्चे को या बड़े को सामने के इंटरनेट दे दिया जाए और उसको पैट ऑन द बैक नानी वाला काम दे, हाँ बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलते चले जाओ,
तो वो कोई भी काम सीख सकता है, ये उसका लुब लुबाब है। आप उनकी वीडियोस हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, एंड आई बिलीव इन दैट। आप जो भी बिजनेस प्लान बना रहे हो, गरीब बंदा कैसे उसको हासिल करेगा, उसको समझ कैसे आएगा? मैं स्कूल से भागा हुआ हूँ, तो मेरी जो ज़बान है वो ज़्यादातर सलीस है, आसान अल्फाज में मैं बात करता हूँ। अब तक किताबें नहीं पढ़ी थी तो और भी आसान थी, अब मुश्किल होती चली जा रही है क्योंकि मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने लग गया हूँ, तो वो अल्फाज आसान होते हैं। तो अब मेरी कोशिश यही है कि वीडियोस ऐसी बनाई जाएं जो कि 1-2 हज़ार रुपये वाले 1,000 रुपये वाले फ़ोन पे चल सकें। कोई भी आदमी करीब तरीन डीवीडी की दुकान पे जाए, अपने मोबाइल पे डलवा ले। एक मेरा ये एक और भी ईमान है कि 2013 में हम रह रहे हैं, 2016 तक हर आदमी के पास स्मार्टफोन होगा और हर आदमी के पास ब्रॉडबैंड होगा, और हर आदमी के पास जब ब्रॉडबैंड होगा और यूट्यूब चल रहा होगा और स्मार्टफोन होगा, तो उसकी जो नॉलेज रिट्रीवल है और बढ़ जाएगी। तो क्योंकि हम ये कॉन्सेंट्रेशन तैयार कर रहे हैं, सिरप तैयार कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा तैयार कर रहे हैं फूलों का, नॉलेज का, इसी तरीके से वो सिर्फ सिरप डालेगा, पानी में घुलाएगा तो ही विल बी एबल टू ड्रिंक इट। इमेजिन कीजिए जब रूह अफ़ज़ा नहीं था तो वो फूलों का रस निकाल के अम्मा नानी अम्मा कहीं पकाती होंगी, 3 दिन लगते होंगे रूह अफ़ज़ा बनाने में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन तैयार कर रहे हैं नॉलेज की, कि आपको ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में ज़्यादा जल्दी मिल जाए। ये वो DVDs हैं जो कि आपको बाज़ार में आराम से मिल रही होंगी और इंटरनेट पे तो अभी भी अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम इनकी पब्लिशिंग शुरू कर देंगे। जो ऑब्स्टिकल है हमारे साथ वो लोगों का है, यकीन का है, मेहनत का है। मैं अकेला हूँ इस सारे प्रोजेक्ट में, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कम है। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ मिलके मेरे प्रोसेस को फॉलो करते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा जल्दी हम ये सारे काम कर सकेंगे। उस प्रोसेस को क्योंकि समझाया नहीं है कभी, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बुक भी बना रहे हैं जो कि आप rehanfoundation.com/books के ऊपर जाके देख सकेंगे। वो टेक्स्ट बुक बना दी कि भी ये बनने के लिए किस तरह से करना है, उसके लिए बेसिक एसेंस किस तरह चाहिए, कि जाके ये हम स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें। कि बड़ा सोचो 180 मिलियन की आबादी में रहते हो, इस मुल्क में बाहर से कोई आके कुछ करने वाला नहीं नज़र आ रहा अगले 10 साल तक। ये मुल्क जो है ना हम ही को ठीक करना पड़ेगा, और हम नहीं ठीक करेंगे तो कोई नहीं आने वाला। हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं पिछले हफ्ते कंबोडिया गया था, गरीब तरीन मुल्कों में शामिल होता है, कोई एक मुझे फ़कीर नहीं नज़र आया, सब के सब एंटरप्रेन्योरियल दिमाग के हैं, और सब के सब ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं एक और एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर से मुलाकात हुई मेरी, उसने बताया कि मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि मुझे कोई गरीब नज़र नहीं आता है। मतलब गरीब तो नज़र आते हैं लेकिन भिकमंगे नज़र नहीं आते, लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर नज़र आते हैं। एक ही गली में चले जाएं, एक आदमी पानी में बोतलों में पानी बेच रहा होता है, उससे अगली दुकान में जो है वो कोक बेच रहा होता है, उससे अगली दुकान में कोक विद आइस बेच रहा होता है, उससे अगली दुकान में जूस बेच रहा होता है। तो स्टेजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो एंटरप्रेन्योरशिप नाम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, उसके ऊपर पैसे कमाएं, दैट्स बिजनेस। कोई भी प्रॉब्लम, और इस मुल्क में सारे लोग एग्री करेंगे कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्व करें भाई, पैसे कमाएं। अब ये बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपका ज़्यादा फोकस होता है कि रिसर्च की जाए, इंटरव्यूज ली जाए, तो ऐसा क्यों कहते हैं क्या कि वीडियो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्यों? ओके, वीडियो इंटरव्यू क्यों करें? वीडियो इंटरव्यू इसलिए करें कि जिस तरह से आप हम ये वीडियो बना रहे हैं, जाके एग्जैक्ट सेम अल्फाज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच जाएँ। और अगर नहीं भी पहुँच रहे, क्योंकि समझने वाले की नॉलेज पर डिपेंड करता है, समझाने वाले का इल्म ट्रांसफ़र कितना हो रहा है। क्योंकि वीडियो बन जाएगी और अवेलेबल इंटरनेट पे हो जाएगी, तो सिर्फ हमारी टीम नहीं बल्कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी की टीम उसको लेके मज़ीद उससे और नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और इंटरव्यू क्यों करें? मेरे जैसे आपको बोला है कि एक बिज़नेस के 500 इंटरव्यू करें, तो 500 घंटों का इंटरव्यू का मतलब है कि आपने एक आदमी से मिले, एक आदमी से मिलने के बाद आप 1% से 5% बेहतर हो गए, दूसरे आदमी से मिले तो 1% से 5% बेहतर हो गए। तो 10,000 रुपये वाला जो आमदन वाला बिज़नेस है, अगर आप समोसे बेचते हैं और आपकी आमदन 10,000 रुपये है, और आप 500 आदमी से मिल लें और उससे पूछें कि तुमने ये कैसे करा, तो मैं गारंटी करता हूँ कि उस आदमी की तनख्वाह आमदन 50,000 रुपये हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसके पास उन सारे लोगों का एसेंस आ गया, इल्म आ गया, और वो इल्म जब वो अप्लाई करेगा आगे तो उसकी ऑटोमेटिकली आमदन बढ़ जाएगी। हो सकता है यूँ ना बढ़े बल्कि स्लोली ग्रेजुअली अप्लाई करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इंटरव्यू करना बहुत सख्त ज़रूरी है, ये कोर है इस पूरे लर्निंग का। कि हम बेसिकली तो कुछ भी नहीं कर रहे ना,
हम बेसिकली तो यही कर रहे हैं कि हम अगर समोसे बेचना चाहते हैं तो जाओ पहले 500 समोसे वाले ढूंढो, उनका इंटरव्यू करो, उनको सीखो, उनको सिखाओ, उनकी टीम बनाओ, उनकी कोलैबोरेशन बनाओ, उनको ट्विटर बनाओ, उनकी कोलैबोरेशन टीम बनाओ, और फिर उनकी मीटअप शुरू कर दो, जाके एक इकोसिस्टम एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, पाए का जो साइज़ इतना सा है वो इतना बड़ा हो जाए, एंड देन कलेक्टिवली, ओनली कलेक्टिवली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आपका यह है कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हाट विल बी योर प्रोसेस, एसओपी क्या होगा। द फ्रेमवर्क इज़ कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, वेबसाइट बनाई, ब्रांड क्रिएट किया, कोलैबोरेशन शुरू कर दी मल्टीपल लेवल्स पे। एक तो कोलैबोरेशन ग्लोबल करना शुरू कर दी, यानी कि अगर समोसे का बिज़नेस है तो समोसे वाले जो ऑनलाइन पहले से कर रहे हैं या कोई कमर्शियल समोसे कर रहे हैं तो लेट्स गेट ऑल देम ऑन लिंक्डइन। एक सेकंड, कैमरा पकड़ें और निकल जाएं, एक टीम बनाएं 10 लड़कों की 20 लड़कों की और इंटरव्यूज़ करें, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट जितना टाइम खींच सकते हैं उस इंटरव्यू का, उसमें बेसिक सवाल करें, आपका नाम क्या है, बच्चे कितने हैं, बाप क्या करता था, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितने पैसे कमाते हैं। इन सब को करने से पहले आपको उसके साथ एक रेपोर बनानी पड़ती है, वो भी इन्वॉल्व कर लें उस वीडियो में, ताकि अगला देखने वाला आदमी उस आदमी के बारे में भी जाए, उससे उनसियत क्रिएट हो जाए, और आपको वो रेपोर क्रिएट करने के बाद ही ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा देगा, वरना तो कहेगा भाई ये क्यों बता रहे हो तुम, क्या CIA वाले हो, है ना। तो वी नीड टू क्रिएट दैट रिपोर्ट। सो अब हमारे पास 500 इंटरव्यू जमा हो गए उस सारे के, फिर हम टीम ऑफ कुछ लोग बैठेंगे, मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो उसको सारे को कंटेंट को अब कंज्यूम करेंगे, एक एक इंटरव्यू को बैठ के देखेंगे। उस इंटरव्यू को देखने के बाद SOPs क्रिएट किए जाएंगे। SOPs जब क्रिएट हो गए उस समोसे की दुकान को स्टार्ट करने में, अचीवमेंट ये होगी कि कोई आदमी समोसा की दुकान खोलना चाहे तो वीडियो फ्रॉम A to Z देखने के बाद वो उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। दैट वुड बी द गोल। विजन क्या था, प्रोसेस क्या था, ये था, और गोल क्या है कि आखिर में हम एक DVD तैयार कर दें या ऑनलाइन देख सके कोई, कि ये तरीक़ा है समोसे की बिज़नेस को स्टार्ट करने का। अब अगेन एज़ एवरी इर्तिका, वो DVD का वर्जन 1 होगा, फिर उससे बेहतर होगा, फिर उससे 2 होगा, फिर 4 होगा, जो भी होगा, लेकिन जब रिलीज़ 1 हो उसको देखने के बाद कोई भी आदमी, मतलब जाहिल भी, जिसके अंदर डिज़ायर हो उस काम करने की, उसको देखने के बाद वो बिज़नेस को क्रिएट कर सके। दैट इज़ द फ्रेमवर्क विच आई हैव इन माई माइंड राइट नाउ। इफ़ यू हैव अ बेटर फ्रेमवर्क, एनीबडी आउट देयर हैज़ अ बेटर फ्रेमवर्क, प्लीज़ गिव अस योर इनपुट, बट आई वुड लाइक, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ अदर मेंटर्स विच आई हैव मेट, एंड दिस फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन, अगेन ऐसे सारे काम जो कभी किसी ने ना किए हों। रिमेंबर एडिसन क्या कहता है, एडिसन कहता है कि इन्वेंशन इज़ मोर प्रस्परेंट, क्या है वो, 90% प्रस्परेशन एंड 10% वो कहता है जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा 99% तो पसीना है, यानी 1001 दफ़ा उसने अपना बाल लगाया, घोड़े का बाल लगाया, आलू में से बिजली गुजारी, हर चीज़ में से बिजली गुजार दी ट्राई करने के लिए कि कहीं तो अचीव होगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू बिकॉज दिस इज़ समथिंग नेवर एवर एनीबडी हैज़ इन हिज लाइफ डन एवर, बिकॉज दो दिस इज़ द ओनली वे आउट आई कैन सी एफ, एंड इफ समबडी आउट देयर हैज़ नोज ऑफ अ बेटर वे आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर अपग्रेडिंग माई सेल्फ। आई स्पेंड 90% ऑफ माई टाइम ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ एंड ओनली 10% ऑफ द टाइम on all the rest of the thing, because I need to believe in myself before I can tell anybody else ke dude ye mera manjan khareed lo bada acha hai, main khud to manjan istemal nahi kar raha, dusre ko keh raha hu ye wala manjan khareed lo, so that is wrong. So I will only preach what I believe in. So in order for me to preach I need to believe, and in order to believe I need to learn, and in order to learn I need to travel, I need to read books, I need to do a lot of other things which you guys see as maybe entertainment or you know, avaragardi or whatever, but that every single person I'm meeting has a purpose. The purpose is same.
The purpose is same for me to become a better person, more confident person, or being able to find a shortcut. This is, I am finding a shortcut towards my goal. But that sounds like a long cut. Because success in somebody's mind was, overnight success comes every 10 years. And you work for 10 years and you become an overnight success. Oh, there's no such thing as overnight success, it takes time. And because I've never sold samosas and pakoras and all that, similarly I've never done other businesses. Which I, when I was in class 9th, I made a Commodore 64 device. In my life I've never made an electronic device. Kaise banayi hogi yaar? So all I did was went to people who knew something related to it. Not even because unhone bhi kabhi nahi banayi thi. To main jata raha. Sirf 10-15 mentors ke baad mujhe direction pe direction milte gaye. Phir action. Direction, phir action, phir action ka reaction, phir wapas board pe wapas, phir mentor ke paas. Ab wo kahega nahi to tumne jo kuch kiya tha sab kuch galat kiya tha, phir shuru se karna padta hai. So same application which I did in class 9th, I think that is the way out. Okay, jab tak hum isko karenge nahi, acha, I am doing it on paper and you guys are wanting to do it in a physical space. Physical space ke andar jo speed hogi wo kam hogi. Jaise agar aap aaj kal ke zamane mein rocket design karenge, to computer pe simulator pe design karenge. Not rather actually rocket bana ke dekhne ki koshish nahi karenge. Wright brothers nahi hum log. Wright brothers ke paas computers nahi the. Hum us technology ko use kar rahe hain जो कि इससे रेलिवेंट है, उसको यूज़ करते हुए हम ये सारा काम कर रहे हैं. और अगर अगेन इवेंचुअली तो बिल्डिंग फिज़िकल बनाना ही है,